अब जिसका आमाल नामा उसके दाहने हाथ में दिया जाएगा वो दूसरों से कहेगा कि लीजिए मेरा नामा या आमाल पढ़िए, मुझे यकीन था कि मुझको मेरा हिसाब किताब जरूर मिलेगा। बस वो शख्स मन माने ऐश में होगा यानी ऊंचे बाग में जिसके मेवे झुके हुए होंगे, उनसे कहा जाएगा कि जो आमाल तुम अय्याम गुज़श्ता में आगे भेज चुके हो उनके इवज मजे से खाओ और पियो। और जिसका नामा या आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा ऐ काश मुझको मेरा आमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है, ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम ना आया, मुझसे मेरा इख्तदार जाता रहा। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, अब इसे तौक पहना दो, फिर दोजख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो।